अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसको हमने जस्ट एंगल्स को लोकेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 22 1/2 का मतलब होता है 22.5 डिग्री। अब इसको लोकेट करने का मतलब क्या है जी, यहाँ पे हम पहले तो 0 90 डिग्री, देन आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, अब 22.5 यहाँ पे आ जाएगा, अंदाज़ा नहीं मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 22.5, या इसको 1/5 भी 1/2 भी हम लिख सकते हैं। तो जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने ये लोकेट करने हैं एंगल्स। उसके बाद दूसरा जो है 135 है, इसके लिए भी बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, और उसके बाद आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 135 जो होता है वो 90 और 180 के दरमियान में होता है, तो यहाँ पे ये एंगल आ गया, तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पे भी हम एंगल के साथ शो करेंगे, और यहाँ पे भी एंगल के साथ शो करेंगे। समझ आ गई सबको इसकी? पहले क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स नहीं करवा रहा, आसान है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके जी, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। तो दूसरे का पहला पार्ट हमने करना है जी, दूसरा पार्ट सिर्फ करना है। 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। अब इसका मतलब यह है कि जहाँ पे वन डॉट होगा उसका मतलब होगा मिनट, और जहाँ पे टू होंगे वहाँ पे उसका मतलब क्या होगा, सेकंड्स होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 इसको क्या कर देंगे प्लस 30, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो इसको किससे डिवाइड कर दिया हमने, 60 के साथ, प्लस कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। अब यहाँ पे सेकंड का जिक्र आ रहा है, तो सेकंड को पूरे घंटे के साथ हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पे एक घंटे में कितने मिनट सेकंड्स होते हैं, 3600 कितने। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसकी डिवीजन करनी है, 60 प्लस, अब इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर के साथ ही कर लो आप लोग, 30/60 आ जाएगा 0.5 प्लस, यहाँ पे हम करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है हमारे पास ये आंसर, मल्टीप्लाई 10^-3। तो जब साइंटिफिक नोटेशन से ख़त्म करेंगे तो 2 0 आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.00833, ये हो गया। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 60 + 0.5 + 0.00833, फिर आपके पास टोटल एंग बनेगा 60.50833। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, समझ आ गया, कोई मसला इसमें? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, पहला पार्ट है, दूसरे वाला करेंगे 125.45 डिग्री, देन उसके बाद पांचवा है -67.58, एंड देन छठा हम करेंगे 315.18 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको हमने चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिग्री में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको चेंज करना है हमने मिनट और सेकंड में। पहला क्वेश्चन था मिनट सेकंड को डिग्री में लेके आना था, अब इनको हमने मिनट सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहला इसका पार्ट ये होगा कि पॉइंट वाला हिस्सा हम प्लस कर लेंगे अलग से, पॉइंट वाला हिस्सा हम क्या कर लेंगे प्लस अलग से। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और साथ में हमने 60 से मल्टीप्लाई लाजमी करना है, क्योंकि ये सेकंड में हम लेके आते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको डिवाइड करना ज़रूरी है। तो यहाँ भी अब हमने क्या करना है, एक ये इसके साथ कट गया, बाकी बचेगा हमारे पास 125 प्लस, अब इनको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बचेगा 4.5, ये 10 से डिवाइड होगा तो 4.5 × 6, तो ये 4.5 × 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है, जो पहले नंबर पर हमारे पास चीज़ होती है वो डिग्री में होती है, दूसरे स्टेप के बाद जो आंसर आता है वो किस में आ जाता है, मिनट में, और तीसरा सेकंड पे। अब यहाँ पे अगर पॉइंट आता तो इसको आगे करते, अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
क्लियर है ये। नेक्स्ट है हमारे पास इस माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बिल्कुल सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं जी, पॉइंट खत्म, नीचे क्या आ गया जी 100, ठीक हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक सेकंड एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये और ये कट गया। अब इसको दोबारा से वही इसके साथ करते हैं जी, माइनस 67 प्लस 5.8 मल्टीप्लाई 6, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 34.8। अब माइनस 67 अब पॉइंट के पहले वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ के लिख लेते हैं जी, और पॉइंट के बाद वाला हिस्सा फिर से प्लस कर लेते हैं, पॉइंट नीचे खत्म करो तो नीचे क्या आ जाता है 10 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ये और ये कट गया, बाकी हमारे पास बच गया जी माइनस 67 34 और 48। अब पहला जो आया था वो डिग्री हो गया, दूसरा जो आएगा वो मिनट होगा, और तीसरा जो आएगा वो सेकंड आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 315.18 इसको देखते हैं जी 315 प्लस पॉइंट खत्म किया, नीचे क्या आ गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 60, ये और ये कट गया, बाकी बचेगा। अब इसको करते हैं जी 1.8 मल्टीप्लाई 6 10.8 आ गया। अब फिर पॉइंट में हमारे पास नंबर आ गया, तो इसको दोबारा से चेंज करते हैं जी कैसे, 315 10 इसके साथ जोड़ के लिख दिया और प्लस किया 0.8 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 0.0 कट गया। अब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, आ जाएगा हमारे पास 10 and 48, डिग्री मिनट सेकंड, कोई मसला इसमें? क्लियर है सबको? ठीक है, ये चीज़ें पहले भी हम कर चुके हैं कई दफ़ा पे। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 पे। क्वेश्चन 4-5 जो है वो कन्वर्जन है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, बहुत ही आसान है, जस्ट एक ही स्टेप जो है वो बार बार दोहराया जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग ने इसको देख लेना है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमने करना है जी दूसरा पार्ट 60 डिग्री और तीसरा पार्ट 135 डिग्री और आठवां पार्ट 315 डिग्री, ये तो हो गया चौथा। उसके बाद हम करेंगे पांचवा भी कर लेते हैं, यहाँ पे ही लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसका हमने करना है 1 7π/8 तीसरा, एक हमने करना है जी सातवां -7π/8 और एक हमने करना है आठवां जो क्या है -13π/16π। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जी डिग्री टू रेडियन हमने कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए जस्ट एक चीज़ आप लोग ने याद रखनी है कि जो भी नंबर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई बाय 180 से, तो ये आ जाएगा 60 × π/180। क्लियर है यहाँ तक? π/180। अब ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया, 6 का टेबल इसमें कितनी टाइम जा रहा है 3 टाइम, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा π/3। तो ये हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा, रेडियन में जो वैल्यू होती है वो पाई से हम लिखते हैं। ठीक है, अब 135 आ रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, π/180 के साथ। 5 का टेबल इस पर कितनी टाइम जा रहा है 2 7 टाइम, 5 का टेबल इस पर कितनी टाइम जा रहा है 3 6 टाइम, 3 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 12 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 4 टाइम, तो ये बचेगा 3π/4, तो ये इसका रेडियन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट है 315 मल्टीप्लाई π/180, 3 का टेबल इस पर जा रहा है 6 3 टाइम, 3 का टेबल इस पर जा रहा है 36 टाइम, फिर 3 का टेबल इस पर जा रहा है 2 1 टाइम, फिर 3 का टेबल इस पर जा रहा है 12 टाइम, 3 का टेबल 7 टाइम, 3 का टेबल 4 टाइम, ठीक है सॉरी यहाँ पे 21 है तो 21 पे जाएगा 7 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 7π/4, तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आसान है बहुत ही। अब यहाँ पे 7π/8 है,
तो ये हो जाएगा। अब इस पे उलट चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई के साथ, ठीक है, पाई के साथ पाई कट जाएगा, 4 का टेबल इस पे 2 टाइम, 4 का टेबल इस पे 45 टाइम। अब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 157.5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसमें, डिग्री में। अब क्योंकि ये भी वही है तो इसमें सिर्फ -157.5 डिग्री में आंसर आएगा, ले रही है। अब वो आ जाता है -13 बाय पाई बाय 16, आठवां। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 180 बाय पाई के साथ, 180 बाय पाई के साथ, ठीक है। अब पाई के साथ पाई कट गया, 4 का टेबल 4 टाइम, 4 का टेबल 45 टाइम, -13 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट करेंगे 13 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 146.25। ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें जी, कोई मसला, कोई परेशानी, समझ आ गया सबको? ओके जी, ये एक्सरसाइज होगी हमारी क्लियर। अच्छा जी, अब 7.2 स्टार्ट करते हैं। 7.2 के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है। तो बुक्स आप लोगों ने खोल लेनी है, यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। कैलकुलेटर की तरह, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला आना चाहिए, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये एक मेन फार्मूला है और इसी से सारे आर और क्यू थीटा की वैल्यू भी निकल आएगी। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यूज गिवन है, एल एंड आर, थीटा हमने फाइंड करना है। थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, एल ओवर आर, यानी कि L की जगह 4.5, R की जगह 2.5। आंसर क्या आएगा, डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर आ जाएगा 1.8 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, L और थीटा दिया हुआ है, हमने R फाइंड करना है। सबसे पहले तो R का फार्मूला हमें आना चाहिए, L ओवर थीटा, L की वैल्यू हमारे पास 4, और इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, डिवाइड 1/4। अब इसको जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 4/1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 16। और रेडियस हमेशा किस में होता है, सॉरी ये हमारे पास आर आ गए, तो ये वैल्यू होगी किसमें, सेंटीमीटर में। समझ आ गया सबको, कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो है क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, कि आर की वैल्यू क्या है, रेडियस कितना है 10 मीटर, और वो कहता है देन फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विद सबटेंडेड अ सेंटर एंगल, नहीं जी ये नहीं है, कौन सा है जी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट मूविंग ऑन अ सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, यानी कि थीटा की वैल्यू वो कह रहा है 3.5 रेवोल्यूशन, और 3.5 रेजोल्यूशन की वैल्यू उसने दे दिया है, थीटा की वैल्यू उसने दे दिया जी 7 पाई, वैल्यू हमें पता चल गया जी 7 पाई है। अब हमने फाइंड करना है इसमें आर और थीटा गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेंथ के लिए हमें एल का फार्मूला पता होना चाहिए, आर थीटा, आर की जगह 10 मल्टीप्लाई 7 पाई, पाई की जगह लिखेंगे 3.14 या 22/7 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों नंबर्स को, 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यह आएगा, पहले आएगा 7 मल्टीप्लाई 3.14, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10, हाँ जी आ जाए, तो ये आ जाएगा 219.8 मीटर। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 219.8 मीटर। समझ आ गया, यही फार्मूला अप्लाई किए हैं जस्ट जो हमने पहले कर लिए हैं, और यहाँ पे वही सेम फार्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, क्लियर। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है जी कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 3 o'clock, यानी घड़ी पे 3 बजे हैं तो 3 बजे का एंगल क्या बनेगा। एक घड़ी ड्रा करते हैं जी, उस पे 3 बजे हैं, ठीक है। अब इसका हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, कि एंगल कौन सा होगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 12 आवर
यानी एक पूरा जो सर्कल होता है उसका एक रिवोल्यूशन जो होता है ना वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, कितने के 360 डिग्री के, तो 12 आवर इट मींस के 360 डिग्री, ठीक हो गया। अब 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड करो जी क्या आता है 30 डिग्री, कितना आया, यानी 1 आवर का जो एंगल बनता है वो बनता है जी 30 डिग्री का, 3 आवर का एंगल क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 30 विच इज इक्वल टू, तो 3 ओ क्लॉक का एंगल बन रहा है जी 90 डिग्री का, क्लियर है, कोई मसला इसमें, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं आप, ओके जी, अब करेंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो समझ लेते हैं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तीन होती हैं हमारे पास, साइन, मेन जो यूज़ हो रही है कॉस और टेन, ठीक है, इसके उलट होता है जी कॉसिकेंट, इसके उलट होता है सीकेंट और इसके उलट होता है कॉट, ठीक है। एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब याद रखने के लिए आप लोगों को एक ही मैंने वैसे मेथड बताया है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी इसमें आर पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसमें जी टेन पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। एक ही सेंटेंस आप लोगों को बताया था ऐड, ये बस सेंटेंस आप लोग याद रखें, शुगर टू कॉफ़ी, ऐड के ए से ऑल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, एस से साइन सेकंड क्वाड्रेंट, टी के टेन और इस सी से कॉस, तो ये चौथा है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये दूसरा और ये पहला क्वाड्रेंट है। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि पहले में आल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, टी से टेन, तीसरे में सिर्फ टेन पॉजिटिव है। अब अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, तो ये उलट इसके जो होते हैं वो आपस में पॉजिटिव ही होते हैं उस क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। अब पहले हमें ये चीज़ समझ आ गई जी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी 780, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो एक एंगल होता है, जैसे कि हम ये है एक 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360, वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल है 360 डिग्री के, यानी कि एक जो चक्कर है वो इक्वल है 360 डिग्री के, ठीक है। अब हमने 780 है तो ये देख लेते हैं पहले कितना होता है जी 360 प्लस 360 ये इक्वल होता है 720 के, इट मीन्स 360 प्लस 360 प्लस 60 ये इक्वल होता है हमारे पास 780 के, ऐसा ही है, ये इक्वल होता है 780 के। तो यहाँ पे होगा एक रेवोल्यूशन पूरी हुई, दूसरी रेवोल्यूशन पूरी करेंगे और फिर आगे कहाँ तक जाएंगे 60 तक, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे होगा कितना 780 डिग्री का, क्लियर है। अगर इसको हम रिवर्स में चलाएं ना 0 90 180 270 360, तो ये किसके लिए होगा माइनस वाले वैल्यू के लिए, ये किसके लिए होगा, अगर वैल्यू माइनस में हो तो उसमें रिवर्स चलते हैं, जैसे -100 था तो -100 यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, तो ये किसका होगा -100 का, क्लियर है ये सबको, बस यहाँ पे जस्ट ये ड्रा करने है। और अगर इसी को पाई में कन्वर्ट किया जाए तो पाई वाले क्वेश्चन में जस्ट उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास है ना 7π, इसको हमने बताना है कि दूसरी तरह किसके इक्वल आई है, या 3π/4 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो पहले 180π से, कटिंग करो यहाँ पे ये जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 45 3 135, तो ये अब आ गया ना, अब इजीली आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो अगर पाई में समझ नहीं आती, नहीं तो यहाँ पे ये कर लो तो ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आ जाते हैं जी ये वाले क्वेश्चन, अब इसमें लेस का मतलब होता है माइनस, ग्रेटर का मतलब क्या होता है प्लस, लेस का मतलब माइनस, ग्रेटर का मतलब क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे इसका मतलब है जी कॉस माइनस है
और साइन भी माइनस है, यहाँ पे साइन माइनस है और कॉस भी, यानी सीकेंट का मतलब कॉस ही है ना, सीकेंट का मतलब क्या है? अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस भी माइनस है और साइन भी माइनस है? टेन कहाँ पे होता है? पॉजिटिव थर्ड में होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये किस क्वाड्रेंट में है? और ये भी थर्ड में होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है? साइन और सीकेंट का मतलब कॉस ही होता है जी। क्लियर है यहाँ तक इन क्वेश्चन में कोई मसला? अब जो अगले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हम अप्लाई करेंगे थ्योरम वगैरह, उनको देख लेते हैं। दो ही क्वेश्चन आगे रहते हैं जी, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यही चार पांच क्वेश्चन ही हमने करने थे यहाँ से, और कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में वो कहता है कि इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन लेस देन 0, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। और नौवां क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 और नॉट इन क्वाड्रेंट 3। ये भी देख लेते हैं हम जी, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। अगर हम ट्राइंगल ड्रा करें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें ये हमारे पास बेस आ जाती है, हाइपोटेन्यूस आ जाता है और ये परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस साइन कॉस एंड टेन, साइन की वैल्यू होती है पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इसकी वैल्यू होती है बी ओवर एच और इसकी वैल्यू होती है पी ओवर बी। ये तीन वैल्यूज हमें अगर याद रहती हैं तो हम ये वाले क्वेश्चन जो है वो बआसानी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हल कर सकते हैं, ठीक है, हमें कोई मसला नहीं होगा। अब इनको टेन के लिए हमें वैल्यू दरकार होती है जी पी ओवर बी, यानी कि पी ओवर बी, पी की वैल्यू हमारे पास है 4, बी की वैल्यू हमारे पास है। अब पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल की तीसरी साइड मालूम करने के लिए कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है? अच्छा, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये होता है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब एच स्क्वेयर की वैल्यू हमें मालूम करनी है, इसको उसी तरह, और इसकी जगह इसकी वैल्यू 4 का स्क्वेयर, इसकी जगह 3 का स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, तो एच स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अगर स्क्वेयर रूट दोनों साइड पे लें तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब कॉस किसके इक्वल होता है? बी ओवर एच के। बी की वैल्यू क्या है? 3। एच की वैल्यू क्या आई है? 5। टेन किसके इक्वल, सॉरी अब साइन निकालेंगे, साइन किसके इक्वल होता है? पी ओवर एच। पी की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। तो ये देखें, ये आ गई है, तो कॉस का उलट क्या होता है? सीकेंट, तो सीकेंट की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। साइन का उलट होता है कोसेकेंट, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4। क्यों मसला यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने करना है जी साइन, साइन की वैल्यू क्या लिखाई है यहाँ पे मैंने? पी ओवर एच। तो ये पी हो गया और ये एच हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। एच की वैल्यू है हमारे पास अंडर टू इसका स्क्वेयर और पी की वैल्यू आ जाएगी -1 का बी, उसी तरह आ जाएगा ये और ये कट गया, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 1 ही बचेगा, 1 इधर प्लस कह जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, देन बी की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बच गई थी, अब हमने क्वाड्रेंट भी बताना है साथ में, साइन लेस देन 0, टेन पॉजिटिव और साइन माइनस का हो। साइन माइनस का किस में होता है? या तो तीसरे में या चौथे में, लेकिन टेन पॉजिटिव किस में होता है? तीसरे में। तो इट मीन्स ये किस में होगा? क्वाड्रेंट थर्ड में, और बाकी सब के साथ वैल्यूज क्या आएंगी? यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ये जस्ट आपने क्वाड्रेंट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब वो कहता है जी कि कॉस की वैल्यू लिख लेते हैं, टेन की वैल्यू लिख लेते हैं, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। कॉस होता है जी बी ओवर एच, बी की वैल्यू क्या है? 1। एच की वैल्यू क्या है? टेन की वैल्यू क्या होती है? पी ओवर बी। पी की वैल्यू क्या है? -1। एच की वैल्यू क्या है? नहीं नहीं नहीं
पी ओवर बी होती है, पी ओवर तो वन ओवर वन विच इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब क्वाड्रेंट हम बताते हैं जी, साइन पॉजिटिव हो साइन नेगेटिव हो लेकिन वो क्वाड्रेंट थ्री ना हो, तो साइन नेगेटिव थ्री के अलावा किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है ना। अब हमने बताना है कि साइन नेगेटिव एक तो तीसरे में होता है, तीसरे के अलावा और किस में होता है? चौथे में, ठीक है, किस में होता है? तो क्वाड्रेंट कौन सा है? चौथा। समझ आ गया सबको? अब चौथे क्वाड्रेंट में देख लो, टेन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स उसके मुताबिक हमारे आंसर जो है बिल्कुल सही आए, ठीक है। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फार्मूले भी आने चाहिए, फार्मूले यहाँ पे मैं कुछ हद तक लिख देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी साइन कॉस को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ होंगी ना, उनको आपने चेंज कर लेना है, उनको आपने क्या कर लेना है? चेंज कर लेना है। जैसे कि टेन जो होता है वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, और कॉट जो होता है इसी के उलट हो जाएगा कॉस ओवर साइन के। कॉसिकेंट जो होता है ना वो इक्वल होता है वन ओवर साइन के, सिकेंट जो होता है वो इक्वल होता है वन ओवर कॉस के। ये चार वैल्यूज आपने अपने जहन में रखनी है। उसके बाद साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू वन, यहाँ से अगर साइन की वैल्यू निकालें तो वो निकल आएगी वन माइनस कॉस स्केयर थीटा, और अगर कॉस की वैल्यू निकालें तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस फार्मूले इन चार पांच सवालों में जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है ना, बस यही अप्लाई होंगे। क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के एक बार लेके आना है, तो इसको पहले मैं लूँगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, ठीक हो गया। फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हूँ तो वो क्या हो जाते हैं? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसमें पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर आ जाता है। अब वन माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्केयर थीटा, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो आसान था। अगले क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। अब मैं जहाँ जहाँ होगा ना साइन के अलावा बाकी वैल्यू या कॉस के अलावा, उनको मैं चेंज कर दूंगा दूसरे में। कॉट की वैल्यू मैंने अभी लिखवाई है कॉस ओवर साइन, कॉसिकेंट की वैल्यू मैंने लिखवाई है वन ओवर साइन, टाइन की वैल्यू होती है जी साइन ओवर कॉस माइनस साइन, उसी तरह आ जाएगा। दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन, जहां पे सेम एलसीएम ऊपर वाली वैल्यूज उसी तरह आ जाती हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस साइन उसी तरह माइनस। अब क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं था तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है सबको? अब बेटा जी क्या करना है हमने? कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसमें से साइन कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे है जी कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो गए, देखो कौन है, अच्छा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास फार्मूला लगेगा वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले का स्केयर माइनस कॉस का स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा? थीटा। कौन है? अच्छा जी, तो हमारे पास बचा था वन स्केयर माइनस कॉस स्केयर थीटा, क्योंकि हमें वैल्यू दो चाहिए तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी जो है वो एक हो जाएगी। तो इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, वन के नीचे कॉस अलग से कर देता हूँ प्लस माइनस कॉस स्केयर के नीचे कॉस जो है वो अलग से हो जाएगा, ठीक है। अब वन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है? सिकेंड के, किसके? और बाकी बचेगा एक कॉस, एक काट गया और एक बच जाएगा, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? समझ आ गई सबको? कोई मसला? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 24। ये तीन क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, तो सबसे पहले जो है वो इसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
इस डिवाइड को मैं इस तरह कर लेता हूँ, और टेन इक्वल होता है साइन स्क्वेयर बाई कॉस स्क्वेयर, यानी कि स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये उसी तरह प्लस कॉस थीटा, ये भी उसी तरह, अब एलसीएम आ जाएगा इसका कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब कॉस और कॉस सेम है, ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, अब वन है यहाँ पे और यहाँ कॉस है, तो कॉस वन के साथ क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देखो माइनस वन है प्लस वन है, मेरे ख्याल से प्लस वन आता है क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बनता है ना, माइनस वन है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से इजीली हो जाएगा जी। अब देखें, अब मुझे ये बताएं अगर इस मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो क्या चेंजिंग आएगी इसमें, उलट हो जाएगी, हाँ जी। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है या नहीं बन रहा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है ना, तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये इक्वल होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एक दफ़ा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस वाले के साथ कट गया, और बाकी आ जाएगा हमारे पास, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, कोई मसला। नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 पे, लेफ्ट हैंड साइड ही ली मैंने, और टेन को लिखा मैंने साइन ओवर कॉस, कॉट को लिखा मैंने कॉस ओवर साइन, उसके बाद ये दोनों उसी तरह आ जाएंगे, ये दोनों इसको चेंज नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कॉस भी और क्योंकि दोनों अलग वैल्यू हैं, कॉस कॉस सेम है, इसको छोड़ देंगे, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वेयर थीटा, और कॉस साइन और साइन सेम है, इनको एक साइड पे कर देंगे, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ तक क्लियर। अच्छा उसके बाद साइंस केयर प्लस कॉस केयर, पहले आप लोगों को फार्मूला बताया था किस चीज़ के इक्वल होता है, वन के इक्वल, अब वन है तो ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखें इस वन को लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसके नीचे दोनों का डिवाइजर सेम है तो डिवाइजर अलग अलग कर लेते हैं, यानी कॉस थीटा के नीचे लिख लेता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस साइन के नीचे ये दोनों लिख लेता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा, अब ये साइन साइन से कट गया, कॉस कॉस से कट गया, वन ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के, प्लस वन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट के, तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक हो। अब हो गया हमारे पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, ट्वेंटी फोर है सेकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस वन, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही ली जो कि है सेकेंड, अब इसका काम ये होगा रेशनलाइज करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे और एक दफ़ा मल्टीप्लाई में और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा ऊपर, सॉरी एक दफ़ा ऊपर लिखेंगे एक दफ़ा नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, होल का होल का स्क्वेयर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, पहले का स्क्वेयर माइनस दूसरे का स्क्वेयर, क्लियर है, अब उत्तर समझ आ गया है। अब एक और यहाँ पे फार्मूला आ गया है, अब सेकेंड स्क्वेयर माइनस वन इक्वल होता है टेन स्क्वेयर के, किसके, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन का स्क्वेयर, इसके साथ अंडर रूट कट गया, इसके साथ भी अंडर रूट कट गया, बाकी क्या बचेगा, सेकेंड थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा, तो यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 7.4। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 थोड़ा सा थ्योरी का सब्जेक्ट, थ्योरी वाली एक्सरसाइज आ जाएगी जिसमें हमें डायग्राम्स ड्रा करनी होगी, ट्राइंगल हमने ड्रा कर ली तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ईजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि सब ने अपने पास जो है वो बुक खोल के रख लेनी है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शेडो, एक आदमी है 6 फुट उसका कद है, ये 6 फुट का आदमी है, उसका साया जमीन पे 3.5 फुट
पढ़ रहे हैं, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, सन का एंगल हमने फाइंड करना है। ये जो एंगल बन रहा है, ये हमने एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। अब इसके लिए P और B हमारे पास है, P ओवर B किसकी वैल्यू होती है, tan की। किसकी वैल्यू होती है, tan की। अब tan इक्वल होता है P ओवर B के, जो के वैल्यू आएगी 6/3.5। tan थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे जी 6/3.5, तो ये आ जाएगा 1.7142। अब थीटा इधर रहेगा, tan जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। अब इनवर्स निकालने के लिए कैलकुलेटर पे पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप दबाएंगे tan, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 1.7142, तो ये आंसर आ जाएगा 59.74 डिग्री। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारे पास 59.74। क्लियर है सबको, ये कोई मसला इसमें, बहुत ही आसान है, जस्ट आपने ये वाली वैल्यू याद रखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार है ठीक है, उसके ऊपर एक सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी ऐसी ही होती है ना, टेढ़ी लगी होती है दीवार के साथ ठीक है, और वो कितनी है सीढ़ी, 20 फीट ठीक है। सीढ़ी की जो लैडर है वो कितनी है, 20 फीट की है, जो दीवार के साथ है। अब वो कहता है द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल की बेस ये है और इसका बॉटम ये है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना उसने बताया, 5 फीट। कितना, 5 फीट। अब वो कहता है फाइंड करें, फाइंड द एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है ना लैडर का, वो एंगल फाइंड करें। तो उस एंगल के लिए हमारे पास वैल्यू है जी एच और बी, बी ओवर एच किसकी वैल्यू होती है, कॉस की, बी की जगह हम लिखेंगे 5 और इसकी जगह लिखेंगे हम 20। कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/20 करते हैं पहले, तो 5/20 आंसर आ गया 0.25, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स 0.25। तो यह आपने कॉस इनवर्स करना है, शिफ्ट फिर कॉस 0.25, तो यह आपके पास आंसर बनेगा 75.52 डिग्री। तो यह हमारे पास इसका एंगल भी आ जाएगा। क्लियर है, कोई मसला समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद है द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 20 फीट एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज 14। एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। उसके वो कहता है बेस कितनी है, 25 फीट। कितनी, और हाइट ऑफ रेक्टेंगल 13 फीट। हाइट ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 13 फीट। फाइंड द एंगल ऑफ डायगनल, तो ये जो डायगनल अगर इसको करें, ये इसका डायगनल होता है, ये इसका क्या होता है, डायगनल होता है। तो अगर इसके डायगनल को करें तो ये हमारे पास एंगल क्या बनेगा, तो बी और पी, पी ओवर बी किसका होता है, पी ओवर बी। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया आप लोगों को यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, चलें इसको कंप्लीट करें, जल्दी से इसको कंप्लीट करें।